डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, डिफरेंट साइज के पैनल्स लगा सकते हैं, ज्यादा कैपेसिटी में पैनल्स भी लगा सकते हैं। इन फ्यूचर इसके ऊपर टोटल 28 पैनल लगाए जा सकते हैं। पैनल्स टियर 1 ए ग्रेड है, जो कि 12 इयर्स की रिप्लेसमेंट 25 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं, और इस सिस्टम के ऊपर हमने नेट मीटरिंग भी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़कर रहमान और आप देख रहे हैं एफबी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। ये एक प्रोजेक्ट हमने खारिया के साथ कोटराला बलीखान और उसका एक नवाई गांव बनता है मलकी, वहां पे इंस्टॉल किया, जो कि अवान शरीफ के साथ आता है। जो लोग उस एरिया से हैं उनको तो पता चल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली कंप्लीट प्रोडक्ट्स को आपको डिटेल्स देंगे, और इसके अलावा इसमें जो इन्वर्टर यूज़ हुआ है, पैनल्स हैं और बैटरीज, इनकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इन्वर्टर की, तो इस सिस्टम के अंदर जो हमने इन्वर्टर यूज किए हैं वो सोलोमैक्स कंपनी के ऑनएक्स सीरीज के IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर्स यूज किए हैं, तो 6 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं। प्योर IP65 है। इसका फायदा क्या होता है कि 100% मेंटेनेंस फ्री होता है, डस्ट रस्ट और वाटर प्रूफ इन्वर्टर बन जाता है, जिसमें आपको बहुत हाई प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट साइड AC-DC साइड को प्रोटेक्ट करते हैं। डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर है, डिफरेंट साइज के पैनल्स लगा सकते हैं, ज्यादा कैपेसिटी में पैनल्स भी लगा सकते हैं। डुअल आउटपुट है हैवी लोड और लाइट लोड के लिए, मोबाइल के लिए मॉनिटरिंग भी है ऑनलाइन, इसके अलावा थ्रू आउट ब्लूटूथ भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी 6 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। अब ये दो जो इन्वर्टर्स हैं, इनके प्रॉपर डक्टिंग के साथ मेटल DB बॉक्स के साथ डिजाइन किया गया, ओरिजिनल थॉमसन के ब्रेकर्स यूज किए गए हैं AC इनपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे, DC साइड पे, और प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारा सिस्टम डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें पैनल्स जो यूज किए गए हैं, सोलर पैनल्स की बात कर लें, JAK 550 वॉट के 18 पैनल्स यूज किए गए हैं, जो कि इनिशियली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थे। इन फ्यूचर इसके ऊपर टोटल 28 पैनल लगाए जा सकते हैं, यानी कि 18 भी 10 मजीद लगा के आप टोटल 28 कर सकते हैं इन्वर्टर की आउटपुट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा पैनल्स टियर 1 ए ग्रेड है, जो कि 12 इयर्स की रिप्लेसमेंट 25 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं। आयरन पाइप का एलिवेटेड अपलिफ्ट सोलर स्ट्रक्चर है, जो कि रूफ टाइप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था, क्योंकि सेंटर में इनकी टंकी बनी हुई थी और उसको देखते हुए हमने इसको अपलिफ्ट स्ट्रक्चर में मूव किया, एलिवेट किया, ताकि पैनल्स की एफिशिएंसी ड्रॉप ना हो। और इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाली बैटरीज की बात कर ली जाए, तो 4X कंपनी की 230 AH ट्यूबुलर बैटरीज है, जो कि मोस्टली मेरी वीडियोस में मैंने इस चीज के ऊपर हाईलाइट भी काफी दफा किया। अगर आपने लाइट लोड चलाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ट्यूबुलर बैटरी में जाएं, जो कि आपको लाइट लोड पे, यानी कि पंखे लाइनों के लोड के ऊपर आपको ज्यादा बैकअप देती है। अगर आपने हैवी लोड चलाना है तो उसके लिए लिथियम का एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। और इस सिस्टम के ऊपर हमने नेट मीटरिंग भी करवाई है, ताकि जो एक्स्ट्रा बिजली दे टाइम है वो आप रिवर्स वापडा को फीड कर सकें। इस टाइप के सिस्टम्स के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री कोटेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा सिस्टम के रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।